माय नेम इज पल्लवी। मैं आपको एक ऐसा कहानी सुना जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कोई काम आप करना चाहते हो और आप उसे कर नहीं पाते हो, लाइक दिस। आओ हम आपसे आपकी एक कहानी सुनाते हैं। जैसे बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत पुराने सालों की, एक कौवा होता था जो अपने रंग और रूप से बहुत परेशान होता था। वो अपने रंग पर इतना गुस्सा होता था कि हम उसके बारे में कहें कि जैसे एक इंसान दूसरों के ऊपर गुस्सा होता है, वैसे ही वो अपने ऊपर गुस्सा होता था। फिर वो क्या करता है, एक दिन अपने मन में सोचते सोचते किसी जंगल में जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो तपस्वी होते हैं वो मिलते हैं और उसे हम उस टाइम पे वो तपस्वी के पास जाता है और कहता है कि बाबा जी मुझे ना अपने रंग से बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं इस रंग में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो तपस्वी जी कहते हैं कि क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो वो बोलता है कि मेरे रंग पे मुझे मेरा रंग इतना काला है कि जब भी कोई मरता है तभी मुझसे बुलाया जाता है और मुझे झूठा खिलाया जाता है। तो बोलता है अच्छा। फिर वो पूछता है तपस्वी, तुम बनना क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं स्वान की तरह बनना चाहती हूँ, मैं हंस की तरह बनना चाहता हूँ। तो बोला हंस की तरह? तो बोला ठीक है, तुम हंस की तरह बनना चाहते हो तो तुम एक बार हंस के पास जाओ और उसका समाचार पूछो कि क्या वो अपनी जीवन में अपने उस समय के लिए खुश है या नहीं। तो वो क्या करता है, वो हंस के पास जाता है और कहता है हंस भाई तू क्या मजे में है ना, तेरी इतनी सुंदर सुंदर बाल, इतने सुंदर सुंदर पंख, तुझे देख के तो लोग खुश हो जाते होंगे, बहुत मस्ती करता होगा तू तो अपने रंग में। तो कहता है कौन बोला रे तेरे को, कौन बोला? बोला क्यों भाई तू अपने रंग में खुश नहीं? बोला नहीं भाई, मैं अपने रंग में खुश भी नहीं, जिस रंग में जाता हूँ उसी रंग में मिल जाता हूँ, मुझे तो कोई दूर दूर तक देख भी नहीं पाता। तो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं तो चलो अब इसका क्या हल करें। तो कहते हैं दोनों फिर से क्या करते हैं, तपस्वी के पास चले जाते हैं। तो तपस्वी के पास जाते हैं तो कहते हैं तब बाबा जी अब हमें ये भी रंग नहीं पसंद। तो बाबा ने जी ने कहा अब तुम दोनों को क्या बनना चाहते हो? तो कहते हैं कि अब मुझे ना तोता बनना चाहता हूँ। तो बोले तोता बनना चाहते हो तो ठीक है, एक बार तोता जी से भी जाके पूछ लीजिए कि तोता जी क्या अपने जीवन चक्र में खुश हैं या नहीं। तो वो तोता जी के पास चले जाते हैं, कहते हैं भाई तू तो क्या मस्त अपनी ज़िंदगी बिता रहा, लाल लाल चोंच, इतनी सुंदर वेराइटीज, खूब अच्छे अच्छे से बहुत सुंदर लगता है। तो कहते हैं कौन बोल रहे तेरे को? तो बोल रहे क्यों भाई क्या हुआ? बोले तुम दोनों मुझे इतनी देर से ढूंढ रहे थे, मैं हरे पौधे में था और हरे रंग के चक्कर में तुमने मुझे देखा भी नहीं, क्या यही रंग है मेरा, क्या मैं अपने रंग से खुश हूँ? तो कहते भाई अब क्या करें। बोले हम तीनों चलते हैं तपस्वी जी के पास। तो फिर तपस्वी जी के पास जाते हैं तो तपस्वी जी बोलते हैं भाई अब तुम तीनों को क्या प्रॉब्लम है? तो कहते हैं बाबा जी मैं भी अपने रंग से खुश नहीं हूँ, वो भी अपने रंग से खुश नहीं है और वो जो कौवा बोलता है वो भी अपने रंग से खुश नहीं है। तो बोले अब तुम तीनों को क्या बनना है? तो अब तीसरा फिर बोलता है वो तो थोड़ी देर तीनों सोचते हैं कि क्या करें। फिर बाबा जी के पास पूछते हैं कि बाबा जी हमें मोर बनना है। तो वो क्या करते हैं मोर के पास जाते हैं, कहते एक बार जब तुमने इन तीनों का को तीनों की ट्राई कर लिए एक बार जाके मोर से भी पूछ लीजिए कि मोर के पास मोर का जीवन चक्र जान लो आप भी। तो वो तीनों क्या कहते हैं भाग भाग के खूब तेजी से जाते हैं जीवन चक्र पर, मतलब अभी भाग भाग के वो उस मोर के पास जाते हैं। तो मोर के पास जाते हैं तो कहते हैं मोर भाई तेरे तो क्या सुंदर लग रहा है, इतने सुंदर सुंदर पंख, तू तो नेशनल पक्षी में गिना जाता है। तो बोलते हैं थोड़ी देर सोचता है तीनों के बातों को समझता है और कहता है तुझे कौन बोला कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ? तो बोलता है बोले क्यों भाई अब तुझे क्या हो गया? बोले तू अपने का थोड़ी देर शांत रहे और मेरी बातों को ध्यान दे, कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? तो कह रहा हाँ भाई कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, ये एक शिकारी की आवाज़ है, उसने मोर ने बोला। बोला मोर की तो फिर मोर ने बोला कि अभी उसने फिर मोर ने बोला कि अभी मेरी माँ को खा मारा है, उसकी पंख को ऐसे नोच दिए हैं जैसे अब उसने बोले पंख को नोच के फेंक दिए हैं। तो बोले पंख को क्यों? बोले क्योंकि उनके पंखों को विदेशी चीज़ों में मार्केट होगी और उनके शरीर को अस्थि से सजाया जाएगा और उनको बहुत सारी चीज़ों को मतलब बांटा जाएगा। तो कह रहे हैं तो फिर भाई तू भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है? बोला नहीं आज मैं अभी जिंदा हूँ, क्या पता मैं कब मर जाऊँ। तो बोला भाई फिर हम चारों में से सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छे जीवन कौन जीता है? तो मोर बोलता है भाई कौवा तू। बोला मैं कैसे, मैं इतना काला, मैं सबका झूठा खाता हूँ, मैं ये मैं वो अपनी अपनी बुराई कर लेता। बोला नहीं
तुझे किसी के मारने का डर है? बोला नहीं। तुझे किसी मरने का डर है? बोला नहीं। बोला कोई तुझे मार सकता है? बोला नहीं। तो फिर तू बता, तू किससे, तेरे को किससे डर है, तू किस चीज़ से कर घबराता है? तो बोलता है नहीं भाई, मुझे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसी टाइम वो बताता है कि अपनी तुलना किसी से ना करो, आप जैसे हो वैसे अच्छे हो। थैंक्स।